सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1, -1, -4, -2k एंड -k, -5 इज 24 स्क्वायर यूनिट। सर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, आपको वर्टिसेस देख के ही पता लग गया होगा। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला होता है हमारा, वो वाला हम लोग लगा देंगे। उसको कैसे लिखते हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा था। सबसे पहले देखिए 1, 2, 3 का गिनती चलता है और x हमारा बीच में रहता है। ठीक है, x1, x2, x3, 1, 2, 3 का गिनती रख दी हम x1, x2, x3। अब यहां x1 है, x1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है तो x2, y2 हो गया। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है तो y3 हो गया। अब यहां x2 ऑलरेडी रखे हुए हम लोगों ने पहले लिख दिया है। ठीक है, अब x2, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है तो y3 लिख दिए। 3 के बाद क्या आएगा, 4 तो आएगा नहीं, 3 तक ही जाना है तो y1 आ जाएगा। सर फिर से, अब 3 आ गया, 3 के बाद क्या आएगा, 4 तो आएगा नहीं, 1 ही आएगा तो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए। वैसे करके हम लोग लिख सकते हैं, फिर से बता दिए सर, तरीका बता दिया लिखने का, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब द वर्टिसेस ऑफ अ गिवन ट्राइंगल आर ABC, हम लोगों ने वर्टिसेस मान लिया और जो गिवन था वो लिख दिया। ठीक है, ABC पॉइंट मान लिया, उनके जो रिस्पेक्टिव वर्टिसेस थे उनके साथ हम लोगों ने लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल वाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। सिंपल, आप लोगों को क्या रखना है, इसमें वैल्यूज रख देने। वैल्यूज रखने के बाद आपका एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल फॉर्म हो जाएगा। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, सिंपल नहीं है लेकिन हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको 24 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, गिवन है, आप लोगों ने लिख दिया। यहां पे 24 से इक्वेट कर दिया। अब ये 2 यहां डिवाइड में आके मल्टीप्लाई में तो 48 हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व किए तो आपके ये 48 इधर प्लस में, इधर के माइनस में हुआ, तो यहां पे देखिए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला आपका फॉर्म हुआ, 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सर 3k, ठीक है, ऐसे मल्टीपल में तोड़ना है जिनका मल्टीपल 27 इंटू 2 हो, तो सर 9 और 6 में हम लोगों ने तोड़ दिया, प्लस 9 माइनस 6 आपका प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने सॉल्व किया और आपका k का वैल्यू क्या आ गया, k इज इक्वल टू 3 आ गया और k इज इक्वल टू -9/2 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलिए बढ़ते हैं आगे।